नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। हम लोग इंटरमीडिएट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। और अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़े थे, इसके विवेचन की विधि पढ़ा था। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया था इसके भौतिक गुणों के बारे में, लेकिन दोस्तों आज के लेक्चर पे हम लोग इसकी बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। किसके? अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आपका अल्कोहल दिखाता है और कितनी महत्वपूर्ण रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप लोग देखेंगे तो दो ही जगह से मेन क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है आपका फॉर्मेशन विधि से, जिसको आप बोलते हैं निर्माण विधि, और दूसरा आपका बनता है कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं, नेम रिएक्शंस भी होती है इसी में। तो यही दो आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग देखते हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। दोस्तों जो हमारा अल्कोहल होता है उसमें दो टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। कितनी टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है? दो टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। पहला है एक OH बॉन्डिंग। क्या है? एक OH बॉन्डिंग पाई जाती है। दूसरा एक बॉन्डिंग पाई जाती है जिसको कार्बन ऑक्सीजन बंध बोला जाता है। मतलब एक OH बंध पाया जाता है और एक CO बंध पाया जाता है। तो जब OH बंध का विघटन होता है तो यह वर्क करता है नाभिक रागी के रूप में। किसके रूप में? नाभिक रागी के रूप में, मतलब न्यूक्लियोफाइल के रूप में, नाभिक रागी के रूप में। वहीं आपका जब सीओ बॉन्ड का विघटन होता है, सीओ बॉन्ड टूटता है, तो यह वर्क करता है इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में, मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करता है। जब आपके एल्कोहल से OH बॉन्ड टूटेगा तो नाभिक रागी, एल्कोहल से CO बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में वर्क करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो एल्कोहल है वह दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को शो कर रहा है, नाभिक रागी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रागी। तो पहले हम लोग देखते हैं जब आपका OH बॉन्ड टूटता है तो नाभिक रागी के रूप में आपका एल्कोहल किस प्रकार से वर्क करता है। पसंद में तो सब प्रथम हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आपका एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में वर्क करता है। यह आपने क्या लिया? कोई एक एल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया? एल्कोहल। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के वाहकतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। वाहकतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अब अगर दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी बची 4। और जब आपने देखा कि आपका ये क्या हो गया है, एल्कोहल, यह क्या हो गया? एल्कोहल। और यही एल्कोहल एक कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई एक सी, इस पे कार्बन का 4 संयोग कर सकता है कार्बन, लेकिन 3 से संयोग कर रहा है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब यहां पर आपका ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक करेगा और एक नया स्टेप बनाएगा जिसमें आपका हो जाएगा ये आपका एल्किल समूह, ये आपका O, यहां से आपका H जुड़ा हुआ है, यहां से आपका H जुड़ा। अब यहां से आपका कार्बन जो है, इसका कार्बन इसके ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा। और यहां पर कार्बन पे आप पहले से 3 देख रहे थे। अब आप देखेंगे कि जो आपका O समूह है, ऑक्सीजन समूह है, इस ऑक्सीजन समूह पर 1, 2, 3 बंध बन गया है, लेकिन मैक्सिमम ये 2 ही बना सकता है। तो यह एक ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये H है, हाइड्रोजन है, इस बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ लेता है और वापस इससे निकल जाता है। इसका मतलब अगले स्टेप में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, R O सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, प्लस में आपका क्या? H प्लस। अब यह जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, यह अभिक्रिया क्या है? नाभिक रागी के रूप में। क्यों? क्योंकि आपका OH बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है और आपका एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अटैक कर रहा है, और एक कुछ देर के क्षणिक अवस्था के लिए ये जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, जिसे आप ट्रांजिशन स्टेट में बोल सकते हैं, और आपको बाद में जो प्रोडक्ट मिल गया R O C, ठीक है,
अब यहाँ पे आप अलग अलग जो भी कुछ जुड़ना रहेगा समूह जुड़ जाएगा, कार्बन से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और ये आपका मेथिल ग्रुप है और यहाँ से एच प्लस निकल गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो एल्कोहल है वो एक नाभिकीय ग्रुप में वर्क कर रहा था। अभी आप देखेंगे जो आपका एल्कोहल है वह किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में वर्क करेगा। इतना उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में जो आपका एल्कोहल वर्क करेगा कैसे करेगा, जब आपका सीओ बॉन्ड टूटेगा तो जो आपका एल्कोहल होगा वह कैसे वर्क करेगा, नाभिक रागी के रूप में, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में वर्क करेगा। यह आपका कोई एक एल्कोहल है, कोई क्या है एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल से आप H प्लस की क्रिया करा रहे हैं, H प्लस की क्रिया। अब देखिए आपको तोड़ना कहाँ पे, बॉन्ड कहाँ टूटेगा, CO कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, इसका मतलब कुछ ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको अगर और थोड़ा सा व्यापक रूप से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं RCH, ठीक है, इस कार्बन से दो बार H और ये आपका ऑक्सीजन बॉन्ड। अब यहां से यह बॉन्ड टूटेगा, यह बॉन्ड क्या करेगा टूटेगा, यहां पर देखिए यहां पर आपके ऑक्सीजन पर दो पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और यहां पर आपका क्या है एच प्लस है। अब यह जब मिल जाएगा तो आपका एक नया ट्रांजिशन स्टेट का एक कंपाउंड बनेगा जो आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, आर सी एच टू सी एच टू ओ एच टू प्लस। आसान में यह जो है यह हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक करेगा और इसी ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा तो आपका एक कंपाउंड बनेगा आर सी एच टू ओ एच टू। अब देखिए दो हाइड्रोजन इससे जुड़ गया ऑक्सीजन से और एक यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब जो आपका ये कंपाउंड बना हुआ है आर सी एच टू ओ एच टू, ठीक है, अब इसी से आप ब्रोमीन की क्रिया करा देंगे, किसी क्रिया करा देंगे बी आर माइनस या ब्रोमीन आयन की क्रिया करा देंगे। अब क्या कराएंगे, जब आप ब्रोमीन आयन की क्रिया इससे कराएंगे तो ब्रोमीन जो है वह आपके जो आपका सी एच थ्री ग्रुप है सी एच टू ग्रुप है इस पे जाकर के क्या करेगा अटैक करेगा, क्या करेगा अटैक करेगा। जब यह ब्रोमीन आयन इस सी एच टू पर अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा इस सी एच टू पे अटैक करेगा, तो जब आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन आयन आपका सी एच टू पे अटैक कर रहा है तो इस प्रकार से आपका एक नया कंपाउंड बनेगा, नया कंपाउंड क्या बनेगा आर सी एच टू बी आर आर सी एच टू बी आर। जब ये यहां से अटैक करेगा तो आप देखेंगे उस समय आपका यह जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां खींचेगा ऑक्सीजन और खींचेगा तो इसके बाद यह जो बचा हुआ आपका भाग है यह निकल जाएगा इस अभिक्रिया से और जाकर के ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा आर आर सी एच टू बी आर, ठीक है, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा एच टू ओ प्राप्त हो जाएगा, आर सी एच टू बी आर बन जाएगा प्लस एच टू ओ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप बोलते हैं एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड विघटन के द्वारा जब यह चीज होगी तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। तो जो आपका एच ओ एच बॉन्ड विघटन हो रहा है एल्कोहल में इसी के आधार पर जो आपकी अभिक्रियाएं होंगी एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनको हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से दो वर्ग हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब हमारा जो पहला है अभिक्रिया जिसमें OH बॉन्ड का विघटन हो, OH मतलब हमने आपको बताया कि ये नाभिक रागी के रूप में वर्क करते हैं, मतलब नाभिक रागी हम एल्कोहल का नाभिक रागी अभिक्रिया देख रहे हैं। इसमें हमारा जो है एल्कोहल की अम्लता, हम लोग सब देखते हैं कि एल्कोहल की एसिडिटी के बारे में, एल्कोहल का जो है एसिडिटी कैरेक्टर कैसा है, तो कह रहा धातुओं के साथ क्रिया, मतलब एल्कोहल जब धातुओं के साथ क्रिया करेगा, धातु मतलब जो आपका लिखा गया है सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम आदि धातुओं के साथ जब आपका एल्कोहल क्रिया करता है तो यह बनाता है एल्काक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या बनाता है, जब आपका एल्कोहल सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम आदि धातुओं के साथ क्रिया करता है
तो बनाएगा आपका एल्कॉक्साइड बनाएगा, और इसी के साथ साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। वहीं पे आपका अगर फिनाल है, फिनाल के हम लोग जो रासायनिक क्रिया विधि होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, वह दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आपका जो फिनाल होगा वो जो है जब आपके धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। लेकिन आपका एल्कोहल जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? एल्कोऑक्साइड बनाएगा। बात समझ में आई? तो एल्कोऑक्साइड कैसे बनाता है, जैसे अभी आपको एक रिएक्शन लिखा गया है, इसमें आपका ये दिया गया है कोई है एल्कोहल है, ठीक है। अब एल्कोहल क्या कर रहा है, एक धातु के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। यह क्या आपका धातु है, यह क्या आपका एल्कोहल। धातु के साथ जब एल्कोहल क्रिया करेगा तो हमने बताया कि आपको एल्कॉक्साइड बनाएगा, और इसके बाद क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन बनाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हम OH बॉन्ड का विघटन पढ़ रहे हैं, तो यह एच बॉन्ड जो है ये टूटेगा। इसका मतलब आपका सोडियम आकर के इस पे अटैक करेगा। अब जब सोडियम इस पे अटैक करेगा तो क्षणिक देर के लिए क्या होगा भैया, Na पॉजिटिव और यहाँ पर H, इस प्रकार से कोई एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट का कंपाउंड होगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा और बाद में क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉनों के बंध के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ करके निकल जाएगा। तो अब बचेगा क्या, RONA। तो यहाँ पे आपका बना क्या, एल्कॉक्साइड बना, RONA बना, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है इस अभिक्रिया से। तो अभी हमने आपको बताया कि धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्कॉक्साइड का, यह संगत एल्कॉक्साइड का निर्माण करेगा। इसको बोलेंगे सोडियम एल्कॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कॉक्साइड। यह आपका है सोडियम, क्योंकि आपका धातु क्या है, सोडियम धातु से क्रिया कर रहा है, तो सोडियम एल्कॉक्साइड बन गया। बात समझ आई? और प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिमूव हो गई। इसी प्रकार से आपका है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अच्छा, यह फिर एक रिएक्शन आपको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, 2Na हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, बात समझ आई, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन ये वाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, CH3 के कारण जुड़ा हुआ, और इससे OH। अब यहाँ पर इस बॉन्ड का ब्रेक होगा, ठीक है, यह बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आकर के अटैक करेगा। अब इसमें क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल में जब आप एल्यूमिनियम धातु से क्रिया कराते हैं तो बनता है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। क्या बनता है? एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड बनता है, और कुछ इस प्रकार से आपका नया कंपाउंड प्राप्त होता है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। हमने पहले ही आपको बताया कि धातुओं के साथ जब आपका एल्कोहल क्रिया करेगा तो आपका एल्कॉक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो इस प्रकार से उपरोक्त अभिक्रिया से आप इतना समझ ही गए होंगे, उपरोक्त अभिक्रिया से यह दर्शा रही है कि जो आपका एल्कोहल होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। इस अभिक्रिया से आप लोग समझ गए होंगे कि एल्कोहल की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। वास्तव में जो आपका एल्कोहल होता है वह जो ब्रोंस्टेड अम्ल की तरीके से काम करता है। किसकी तरीके से? ब्रोंस्टेड अम्ल की तरीके से, ब्रोंस्टेड अम्ल की तरीके से कार्य करता है। भैया आप लोगों ने ब्रोंस्टेड अम्ल पढ़ा होगा, पिछले कक्षा में पढ़ा होगा ब्रोंस्टेड अम्ल किसे कहते हैं। और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरी तरफ से आपको ये होमवर्क भी समझ लीजिएगा कि आपका होमवर्क है ब्रोंस्टेड अम्ल किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है, खोजना है पिछली कक्षाओं में, क्योंकि पढ़ा है कंफर्म होमवर्क। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। आप लोग अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, तो हमने बताया कि जो आपका अभी आप उपरोक्त रिएक्शन से देख रहे हैं, जो आपका एल्कोहल होगा वह अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है, और किसी प्रकार जिसे जो आपका ब्रोंस्टेड अम्ल होता है वह किसी भी प्रबल क्षारक के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, जब रिएक्शन करेगा किसी प्रबल क्षारक से तो क्या करेगा, प्रोटॉन प्रदान करता है, ठीक है। मतलब जो एल्कोहल ब्रोंस्टेड अम्ल की तरीके से हमने बताया जो एल्कोहल होगा वह ब्रोंस्टेड अम्ल की तरीके से वर्क करेगा, ब्रोंस्टेड अम्ल की तरीके से वर्क करेगा, अर्थात किसी प्रबल क्षारक की उपस्थित में, ठीक है, उसको प्रोटॉन प्रदान करेगा और उसको प्रोटॉन प्रदान करेगा। जैसे हमने बताया कि यह कोई एक बी ले लिया, बी मतलब एक कोई एक बेस ले लिया, बेस मतलब क्षार ले लिया, ठीक है, और यह प्रबल क्षार है, इसकी क्रिया जब H+ मतलब आपका
जब इसकी क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, आपके अल्कोहल से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं इसकी क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, अल्कोहल से करा रहे हैं। तो अल्कोहल के जो आपका H प्लस मतलब हाइड्रोजन है, H प्लस मतलब प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, यह जो है जो आपका बेस है वो अपनी तरफ खींच लेगा और बना लेगा बेस और प्रोटॉन का एक युग्म बन जाएगा, इसको आप बोलते हैं संयुग्मी क्षार। और इसके अलावा आपका बन जाएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आप लोग जानते हैं कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर यहाँ किया जाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास किया जाएगा, तो ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा तो बनेगा आपका आर ओ माइनस, इसको आप लोग बोलेंगे संयुग्मी क्षार। क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार, जहां पे माइनस चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। अर्थात आपका जो एल्कोहल है वो किस तरीके से बिहेव किया, आपका अम्ल के तरीके से बिहेव कर रहा था। बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है एल्कोहल की अम्लता का पहला जो है आपका धातुओं के साथ अभिक्रिया यह समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी का जो है दूसरा पार्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा हमारा है अल्कोहल की अम्लता। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति होती है वह ध्रुवीय OH बंध के कारण होती है। ध्रुवीय OH बंध का मतलब, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, पोलरिटी। पोलरिटी कब उत्पन्न होगी, जब आपके दो परमाणु आपस में जुड़े रहे और एक पे ज्यादा अधिक विद्युत ऋणात्मक हो और दूसरा कम विद्युत ऋणात्मक, मतलब विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो इस प्रकार जो है पोलरिटी उत्पन्न होती है। तो हमारा कहा जा रहा है कि अम्लीय जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति होगी वह ध्रुवीय OH बंध के कारण होती है। ध्रुवीय OH, OH का मतलब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक है, वहीं पे हाइड्रोजन क्या है कम विद्युत ऋणात्मक है, इसीलिए इसको ध्रुवीय बंध बोला जा रहा है। ठीक है, तो प्रकृति जो होगी वो ध्रुवीय बंध के कारण होती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रिपलिंग ग्रुप होते हैं, तो जितने भी आपके एल्किल समूह होते हैं आप उन एल्किल समूहों को क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इनके पास अधिकता है, वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। ठीक, रिपेल करने का मतलब क्या होता है, दूर भेजना, तो इलेक्ट्रॉन दाता इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह बोला जाता है। तो जैसे आपका जो एल्केन होता है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बचता है एल्किल समूह, तो जितने भी आपके एल्किल समूह होते हैं सबके सब क्या होते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो होंगे, जैसे आपका मेथिल हो गया, एथिल हो गया, आदि सभी जो है ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या है, जैसे आपका यह कोई एक ऑक्सीजन समूह, एक ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, और यहाँ से इससे अब जितने ही मात्रा में आपके क्या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाएंगे, तो जितने भी, जैसे आपका एक थ्री हो गया CH3, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को जो है ऑक्सीजन की तरफ धक्का देगा। दूसरा आपका जुड़ गया, मान लीजिए C2H5 जुड़ गया, तो अब ये आप अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ धक्का देगा। तो कहने का सेंस ये है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ेंगे, यह सब जो है ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु पर बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जिससे जो OH बंध की ध्रुवता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, जब सोचिए कि इसी से कोई आपका OH समूह जुड़ा था, अब जब ये सब यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक अधिक था, ये आपका ऑक्सीजन, दूसरा क्या था, ये कम विद्युत ऋणात्मक था, लेकिन क्या किया कि यह जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को, भैया ये अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेता, यही तो होता। अधिक विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपने पास क्या कर लेता, खींच लेता। लेकिन जब आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है इनके इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बहुत तेजी के साथ नहीं खींचेगा, तुरंत नहीं खींचेगा, बल्कि जब इलेक्ट्रॉनों को अपने जो ऑक्सीजन की तरफ जो भेजेंगे, तो इस कारण से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इसका घनत्व जो होगा बढ़ जाएगा। बात समझ में, तो जो आपका OH बंध होगा, OH बंध की ध्रुवता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पोलरिटी कम हो जाएगी, जो इसमें दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा था वह क्या हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, जिससे ध्रुवता कम हो जाएगी। अच्छा, जब ध्रुवता कम हो जाएगी तो जो अम्ल का सामर्थ्य होता है, जो आपके OH जो बंध होता है या अम्लीय होता है, तो यह अम्लीय बंध का जो सामर्थ्य होगा अल्कोहल का, वह क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा, घट जाएगा। तो आपके जो कुछ घटते हुए क्रम में
ठीक है, कुछ घटते हुए क्रम में आपके अल्कोहल का अम्लीय सामर्थ्य ये लिखा गया है, एक चार्ट के थ्रू दिया गया है, जैसे आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसमें जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन दाता समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, अर्थात जो आपके एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस OH बंध के ऑक्सीजन पर ध्रुवता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जब कम हो जाएगी इसका मतलब अम्ल सामर्थ्य घटता जाएगा। कहने का मतलब प्राइमरी जो आपका एल्कोहल होगा, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसलिए इसके इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, इसके इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, जो इसके ऑक्सीजन पर कहने का मतलब जो पोलरिटी होगी वह ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, इस सेकेंडरी की अपेक्षा। क्यों, सेकेंडरी पे आपके दो एल्किल समूह जुड़ गए, इसका मतलब ऑक्सीजन पर क्या होगा, यहाँ पे पोलरिटी कम हो जाएगी, जो यहाँ पे डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अच्छा, जब यहाँ पे टर्शियरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो और भी कम हो जा रही है, बात समझ में आई। कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वह अधिक अम्लीय होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा वह प्राइमरी से कम अम्लीय होगा, लेकिन टर्शियरी जो होगा वो बहुत ही कम अम्लीय होगा। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम और कह सकते हैं कि हमारा जो जल होता है, जल मतलब पानी, जिसको आप H2O बोलते हैं, ठीक है, वह जल कैसा होता है, आपके अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। जल हमारा कैसा होता है, अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो जल की क्रिया जब एल्कोक्साइड से कराई जाती है, जल की क्रिया, ये आपका जल हो गया HOH, मतलब H2O हो गया, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो H2O की क्रिया जब आपके एल्कोक्साइड आयन से कराई जाती है, तो एल्कोक्साइड जो आपका है, ये एल्कोक्साइड है, इसकी क्रिया जब जल से कराई जाएगी, तो भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ये एच समूह, जो ये बॉन्ड है जल का, हाइड्रोजन जो है, यह जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और स्वयं जाकर के इसके ऑक्सीजन के साथ, इसके ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और बना लेगा ROH बना लेगा। क्या बना लेगा, ROH बना लेगा और OH हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आई। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे आपका संयुग्मी OH आयन को आप बोलेंगे संयुग्मी छात्र कॉन्जुगेटेड बेस बोलेंगे, और ROH को आप बोलेंगे संयुग्मी अम्ल या कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे। इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि जो आपका जल होता है वह आपके अल्कोहल से प्रबल अम्लीय होता है। बात समझ में आई। तो उपरोक्त रिएक्शन से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो आपका जल है वह क्या है, आपके अल्कोहल से प्रबल अम्लीय है। ठीक है, अब अगला आपका जो रिएक्शन है वह आएगा आपका एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो आपका अल्कोहल की क्रिया है वह एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्या होता है, आइए देखते हैं। अगला रिएक्शन हमने बताया कि है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है, आपका जो अल्कोहल होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है RCOOH। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो आपका जो एल्कोहल होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अलावा एनहाइड्राइड तथा अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एनहाइड्राइड और अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया कराने के बाद क्या बनाता है, एस्टर का निर्माण करता है। क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, एस्टर का निर्माण करता है। बात समझ में आई। तो जो आपका एल्कोहल होता है वह एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH के साथ क्रिया करके COOH को आप बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। एनहाइड्राइड के साथ, और देखिए एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि इसी से आपके क्या है H2O निकल जाए। बात समझ में आई। तो देखिए जैसे आप लीजिए कार्बोक्सिलिक COOH, ठीक है COOH, अब इसी से H2O निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से H2O। अगर आप इसको निकाल लेंगे एनहाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब क्या है, आपके जो H2O जल का रिमूवल होना, हाइड्राइड जहां भी आए इसका मतलब जल। तो अब जल को आप अगर निकाल देंगे तो आपका बचेगा CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। तो यहाँ पर CO का होल ट्वाइस O, और दोनों यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है क्या,
क्या एनहाइड्राइड, बात समझ में आई। उसी प्रकार से आपका अम्ल क्लोराइड, इसको बोला जाता है आर ओ आर सी ओ सी एल, इसको बोला जाता है अम्ल क्लोराइड, बात समझ। तो इसकी क्रिया जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड तथा अम्ल क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग किससे कराते हैं, एल्कोहल से कराते हैं, तो जो हमारा एल्कोहल है वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस्टर में, और एस्टर का जो फार्मूला होता है आर सी ओ ओ आर होता है, एस्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है आर सी ओ ओ आर डैश, ठीक है, ये आपका एस्टर का फार्मूला होता है। चलिए जब यहाँ पे हमने लिया क्या एल्कोहल लिया, एल्कोहल की क्रिया जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ किसके सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तनु सांद्र सॉरी तनु H2SO4 या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है एस्टर और साथ साथ जल का निर्माण होता है। कैसे होता है, अब यहाँ से जो आपका आर ओ, ठीक है, ये ग्रुप है, यहाँ पर आर ओ के अलावा सी ओ जो जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब आपका ये जो ये इतना पोर्शन, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका ये एच वाला पोर्शन और ये ओ एच वाला पोर्शन निकल जाएगा, बाकी चीजें आपस में जाके जुड़ जाएंगी। जब ये निकल जाएगा इसका मतलब एच ओ एच का मतलब एच टू ओ के रूप में जल बाहर हो गया आपका, बचा क्या आपका आर ओ सी ओ आर डैश, ठीक है, आर ओ ओ सी आर डैश, तो यहां बच गया क्या आर सी ओ ओ आर डैश, बात समझ में आई। देखिए आर, ठीक, सी ओ ओ आर डैश, यही तो बच रहा है, तो यही चीज आपका यहाँ पे, इसको आप लोग बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण में क्या होता है कि जो आपका एल्कोहल है वह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल एनहाइड्राइड तथा अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है और एस्टर का निर्माण करता है। पहली हमने बताई जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वह आपका H प्लस, यहाँ पे आप रख लीजिए H प्लस, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में क्रिया करेगा, जल तथा एस्टर का निर्माण करेगा। दूसरा आपका है एनहाइड्राइड, हमने आपको बताया कि एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त होगा, उससे हाइड्रोजन सॉरी H2O को रिमूव करा दीजिए। यहाँ पे क्या है आपका एनहाइड्राइड, जब एनहाइड्राइड ये है आपका एनहाइड्राइड है, अब यह एनहाइड्राइड एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या एस्टर, बनाएगा क्या बनाएगा एस्टर बनाएगा ही, और इसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है। तो यह क्रिया किसकी उपस्थित में होती है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में होती है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में आपका एल्कोहल एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके एस्टर तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, बात समझ में आई। अगला है आपका अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड भी आपके एल्कोहल से पिरिडीन की उपस्थित में क्रिया करता है, किसकी उपस्थित में, पिरिडीन की उपस्थित, जैसा कि आपको दिखाया गया है यह आपका एल्कोहल या आपका अम्ल क्लोराइड पिरिडीन की उपस्थित में क्रिया कर रहा है, बना रहा है आपका एस्टर और साथ साथ क्या निकल रहा है आपका एच सी एल निकल रहा है, बात समझ में आई। तो यहाँ से आपका एच और यहाँ से आपका सी एल दोनों क्रिया कर लिए, बनाए एस सी एल, साथ में बना आर, ठीक है, आर सी ओ ओ आर डैश, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका बन गया क्या एस्टर बन गया साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भैया आपका जो जो एल्कोहल का OH बांड के विदलन होता था उससे आपके अम्ल जो अम्लीय प्रकृति चलती थी तो अम्लों के साथ क्रिया हो गई, आपका एस्टरीकरण हो गया, आपने पढ़ा धातुओं के साथ क्रिया, हमने इसी में आपको बताया क्या कि जल जो होता है वह आपके एल्कोहल से क्यों अधिक अम्लीय होता है, क्यों इसको हम ब्रास्टेड अम्ल बोला जाता है, ब्रास्टेड एसिड बोलते हैं। तो यह सब चीजें हमने इस लेक्चर में आपको बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन जो बंद होता है उसके विदलन से जो जो चीजें रिएक्शन होती हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।